चले भाई, आपके पास आज का जो मेरा लेक्चर है ना, उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई कौन कौन से कनेक्टिंग डिवाइस है। देखें, आपके पास दो तरीके के नेटवर्क होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे घर का कोई नेटवर्क है जो स्मॉल बिल्डिंग एरिया नेटवर्क होगा, फिर बोर्ड पर देखते रहें, अगर कोई स्मॉल बिल्डिंग एरिया नेटवर्क होगा ना, तो उसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, सही है। और अगर मैं इंटरनेट की दुनिया की बात करूं, तो इंटरनेट की दुनिया का जो नेटवर्क होगा वो कौन सा होगा? वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क एक नेटवर्क होता है, और स्मॉल बिल्डिंग एरिया यानी कि हमारे घर में और हमारे ऑफिस में जो नेटवर्क होगा उसको मैं क्या बोलूंगा? लैन। और इंटरनेट की दुनिया पे जो ज्योग्राफिकल रीजन पे डिपेंड नहीं करेगा वो क्या होगा? वैन, सही है। लैन को वैन से कनेक्ट कराने के लिए हमारे पास बीच में कोई इंटरकनेक्टिंग डिवाइस आएगी। उस इंटरकनेक्टिंग डिवाइस को, इंटरकनेक्टिंग का मतलब क्या होता है फराज? दो नेटवर्क को, सही है। दिस इज नेटवर्क वन एंड दिस इज नेटवर्क टू। नेटवर्क वन को नेटवर्क टू से मिलाने वाली जो डिवाइसेस होती हैं वो इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस होंगी। वो क्या होंगी बेटा? इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस होंगी। इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस कैन बी राउटर, पढ़ा था ना ये इसमें, और इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस कैन बी गेटवे। याद आया? सही है। इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस जो होंगी, एक होगी राउटर और एक क्या होगी भाई? गेटवे, सही है। अब मुझे बताएं, लैन के अंदर आपके पास आपके घर पे जो भी लैपटॉप होगा, जो भी आईपैड होगा, जो भी सेलफोन होगा, वो सारे आपके लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट होगा। कनेक्ट होने के बाद वो किस पे जा रहा होगा बेटा? राउटर पे। राउटर एक ऐसी डिवाइस है जो आपके लैन पैकेट को फॉरवर्ड करती है किस पे बेटा? वैन पैकेट पे। किस पे बेटा? वैन पैकेट पे। तो राउटर और गेटवे के बारे में कुछ सिमिलैरिटी लिखवाता हूँ। राउटर और गेटवे एक ऐसी डिवाइस है जो पैकेट को सेंड करती है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, सही है ना? तो भाई मैं आसान कर देता हूँ, ये सेंड करती है क्या? पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, सही है भाई। इसको पता होता है, इंटरनेट पे जब कोई पैकेट जा रहा होता है, लबीब, इंटरनेट पे जब कोई पैकेट जा रहा होगा तो वो पैकेट किस नाम से जाएगा? उसका कोई नाम होगा या उसका एक आईपी एड्रेस होगा? आईपी एड्रेस क्या होगा उसका? आईपी एड्रेस। तो बेटा इंटरनेट पे जब भी कोई डेटा जाएगा तो डेटा पैकेट्स को तुम राउट करोगे, डेटा पैकेट्स को तुम राउट करोगे डेस्टिनेशन पे थ्रू आईपी एड्रेस, थ्रू आईपी एड्रेस। पैकेट फॉरवर्ड होते हैं। और अब यहां पर मुझे बताओ जल्दी से, राउटर और गेटवे में फर्क क्या है? अगर ये दोनों सेम काम कर रहे हैं तो राउटर गेटवे में फर्क क्या है? फंस गए, याद आया? एएस में पढ़ा है हमने। रयान, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राउटर एंड गेटवे? सर राउटर तो फॉरवर्ड करते हैं ना, तो गेटवे भी फॉरवर्ड करता है। सर एक डिफरेंस है, एक डिफरेंस है, मैं बताऊंगा आप बोलेंगे हाँ सर है ना। हाँ, क्या था? सिमिलर नेटवर्क, और एक था डिससिमिलर नेटवर्क। याद आया? कौन है जो सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करवाता है या सिमिलर प्रोटोकॉल को कनेक्ट करवाता है? जल्दी बताओ। राउटर। कौन करवाता है बेटा? राउटर। राउटर कनेक्ट सिमिलर नेटवर्क, राउटर कनेक्ट सिमिलर प्रोटोकॉल या सिमिलर नेटवर्क, सही है ना? याद आ गया। और गेटवे किसको कनेक्ट कराता है बेटा? गेटवे कनेक्ट दिस सिमिलर नेटवर्क। गेटवे कनेक्ट दिस सिमिलर नेटवर्क। दिस सिमिलर का मतलब प्रोटोकॉल सेम नहीं होंगे। दिस सिमिलर का मतलब प्रोटोकॉल सेम नहीं होंगे। कनेक्ट दिस सिमिलर नेटवर्क, कनेक्ट दो अलग अलग या टू डिफरेंट नेटवर्क। अब सही है भाई, कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क या दिस सिमिलर नेटवर्क, सही है ना भाई? लाइक लैन को वैन से कनेक्ट करना किसका काम होगा बच्चों? गेटवे का। अभी आपने प्रोटोकॉल नहीं पढ़े तो आपको इतना प्रोटोकॉल का आइडिया नहीं हो रहा होगा। प्रोटोकॉल का मतलब मैंने बताया था ना, स्टैंडर्ड होते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है बच्चों? स्टैंडर्ड, सही है ना? तो ये राउटर और गेटवे में, और ये इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस के बारे में समझ आ गया। इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस, इसके अलावा स्विच भी होती है, हब भी होती है, बट हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं बेटा? राउटर और गेटवे, राउटर और गेटवे। चलो आगे। अब सुने, राउटर अपने पास एक टेबल बनाएगा, उस टेबल का नाम क्या होगा अहमद? राउटिंग टेबल। क्या नाम होगा बेटा? राउटिंग टेबल। सोच के बताना लबीब, राउटर टेबल क्यों बनाएगा? कोई तो काम होगा उसका, सोचे, यहीं पे समझ आएगा। अहमद बताओ। सपोर्ट मैक एड्रेस पोर्ट और मैक एड्रेस को याद करने के लिए ना भाई,
भाई राउटर अपने पास एक मेमोरी के अंदर याद करेगा ना, उस मेमोरी का नाम क्या होगा, राउटिंग टेबल। सिंपल है ना भाई, राउटिंग टेबल क्या होगा, राउटिंग टेबल ऐसी है ना भाई। आ जाओ अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम क्या है बेटा, राउटिंग टेबल। उससे पहले मुझे बताओ राउटर गेटवे में डिफरेंस समझ आ गया आपको, राउटर किसको कनेक्ट कराता है, सिमिलर को डिसिमिलर को, कनेक्ट सिमिलर नेटवर्क। हाँ जरूरत नहीं है, और गेटवे किसको कनेक्ट कराता है बेटा, कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क। कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क। चलो आगे आ जाओ भाई, अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 49 पे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये है राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल क्या होता है इसको समझो, सुकून से समझना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुकून से समझेगा इसको। हाँ बेटा आपके पास देखो, आपके पास यहाँ पर ये होम नेटवर्क है, ठीक हो गया। मेरे घर पे जो मेरा पीसी है उसको मैंने बोला है, लेट सपोज कोई भी पीसी कह दिया, या मेरे घर पे जो पीसी है उसको मैंने क्या बोल दिया, सर्वर। सर्वर एक ऐसा पीसी होता है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है ना, यूट्यूब एक सर्वर है जो सर्विस प्रोवाइड करेगा, फेसबुक एक सर्वर है जो सर्विस प्रोवाइड करेगा, मेरे घर का नेटवर्क लैंड नेटवर्क कहलाता है। मेरा सर्वर कनेक्ट हुआ हुआ है एक स्विच से, ये क्या दिख रहा है बच्चों आपको, स्विच। ये है आपके पास क्या बच्चों, स्विच, स्विच वायर वाला स्विच है, ठीक है। ये स्विच बेसिकली वायर से इस पोर्ट से कनेक्ट है, ये जहां पे कनेक्ट होता है इसको बोलते हैं पोर्ट। ये भी क्या है बेटा, पोर्ट। सी भी क्या है बेटा, पोर्ट। डी भी क्या है बेटा, पोर्ट। चार पोर्ट है, सही है। अब राउटर चीजों को, राउटर या स्विच चीजों को मेमोराइज करने के लिए, याद करने के लिए अपने पास एक टेबल बनाएगा, उस टेबल का नाम होगा राउटिंग टेबल। क्या नाम होगा, राउटिंग टेबल। उस राउटिंग टेबल में होगा क्या वो भी देख लें, पोर्ट के नाम लिखे होंगे और उसके आगे कौन सा पोर्ट कहाँ पर कनेक्ट है, और कनेक्ट करने के लिए आपको पता है फिजिकल हार्डवेयर एड्रेस लिखा होगा, वो फिजिकल हार्डवेयर एड्रेस हर किसी का क्या होता है, सेम या डिफरेंट, डिफरेंट। पता है ना वो लोग पढ़ा था, मैक एड्रेस हर पीसी का, हर डिवाइस का, हर चीज का क्या होगा, डिफरेंट होगा, सही है। अगर तुमने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इधर देखो और बताना बेटा, ए पे तुमने क्या कनेक्ट करा हुआ बेटा, सर्वर। तो बेटा देखो पोर्ट ए पे क्या लिखा हुआ, उसने मैक एड्रेस सर्वर, क्लियर है ना। नेक्स्ट आओ बच्चों, बेटा बी पे कुछ कनेक्ट है, यस और नो, नहीं कनेक्ट। बी पे कुछ भी देखो मैंने क्या बना दिया, क्रॉस। सी पे क्या कनेक्ट है बेटा, पीसी टू, और डी पे क्या कनेक्ट है बेटा, पीसी वन। देखो डी पे क्या कनेक्ट है, पीसी वन। अब होगा क्या, मैं आपको आसान बताता हूँ, पैकेट फॉरवर्डिंग बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल सर्वर ने डेटा सेंड करा किसको बेटा, पीसी वन को। हाँ तो होगा क्या, सर्वर का पोर्ट किस पे मेमोराइज हुआ है, ए से। बताओ ये बी पे जाके बी की पोर्ट को डिस्टर्ब करेगा, नहीं करेगा। बी की पोर्ट को डिस्टर्ब करेगा, समान नहीं करेगा, नहीं। क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, समान क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसको पीसी वन पे जाना है और पीसी वन का उसको पता है एड्रेस क्या है, पीसी वन का एड्रेस क्या है अभी, सी पे, डी पे, डी पे। तो एक्चुअल में क्या होगा, जब सर्वर पीसी वन को डेटा भेजेगा ना, तो राउटिंग टेबल को पता है पीसी वन कहाँ पे लगा हुआ है, पीसी वन कहाँ पे लगा हुआ है बेटा, डी पे। तो बाकी पोर्ट डिस्टर्ब नहीं होंगी, बाकी पोर्ट डिस्टर्ब नहीं होंगी। तो एक्चुअल में होगा क्या, एक्चुअल में ये सर्वर जब पोर्ट ए पे जाएगा तो इस यहां से राउटिंग टेबल पे गया, राउटिंग टेबल ने कहा भाई पीसी वन तो पोर्ट डी पे लगी हुई, तो सिर्फ और सिर्फ कहां पे बात होगी बेटा, डी पे। समझ आई बात। और जब वापसी पीसी वन डेटा को सेंड कर रहा होगा सर्वर पे, तो बाकी किसी पोर्ट पे जाएगा, बी पे नहीं जाएगा, सी पे नहीं जाएगा। टाइम भी बच गया, डिस्टर्बेंस भी नहीं हुई। ये जो वन टू वन कम्युनिकेशन हो रही है ये किसकी वजह से हो रही है बेटा, राउटिंग टेबल की वजह से। राउटिंग टेबल ने याद किया हुआ ना सब, सही है ना, राउटिंग टेबल की वजह से हो रही है ना। अब मुझे एक बात बताओ, दो तरीके की कम्युनिकेशन होती थी, एक होती है यूनिकास्ट और एक होती है ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट का मतलब क्या होता था, चलो ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, फीफा का वर्ल्ड कप का ब्रॉडकास्टिंग आ रही है, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या, वन टू ऑल है ना भाई, मैच की ब्रॉडकास्टिंग हो रही है बच्चों। और यूनिकास्ट का मतलब क्या होगा, वन टू वन। बच्चों ये जो सर्वर ए से पोर्ट डी पे पीसी वन से कम्युनिकेट कर रहा है, दिस इज यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट, दिस इज यूनिकास्ट। यूनिकास्ट की अच्छी बात यह है कि वो बाकी पोर्ट या बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करता। बट वॉट इफ अगर सर्वर ब्रॉडकास्ट करे तो क्या होगा बच्चों,
सारी पोर्टों को डिस्टर्ब करेगा, हर जगह पे जाएगा, बोलेगा भाई मेरा डेटा नहीं है, बी सी कहेगा मेरा डेटा नहीं है, डी कहेगा हाँ मेरा डेटा है। फिर जब डी सर्वर ए या सर्वर से बात करना चाह रहा होगा थ्रू पोर्ट ए, तो डी भी सारी पोर्ट को डिस्टर्ब करेगा, ये भी सारी पोर्ट को डिस्टर्ब करेगा, और फिर ये कहेगा मेरा है। तो बताओ अगर तुम यहाँ पर काम कर रहे हो तो तुम्हें कौन सा तरीका बेहतर लग रहा है, यूनिकास्ट या ब्रॉडकास्ट? यूनिकास्ट या ब्रॉडकास्ट? यूनिकास्ट। लेकिन एक बात और सुनो, पहली मर्तबा फर्स्ट टाइम तुमने स्विच पे जो भी लगा हुआ है ना, राउटिंग टेबल बनने या मेमोराइज करने के लिए फर्स्ट टाइम क्या हुआ वो होगा, यूनिकास्ट या ब्रॉडकास्ट? सोच के बताना। पहली मर्तबा हर पोर्ट को देखा होगा ना इसने, तो हर पोर्ट को चेक करने के लिए फर्स्ट टाइम क्या होगा, ब्रॉडकास्ट। क्या होगा? ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट होने के बाद चीजें उसने याद कर ली, याद करके क्या बना लिया, राउटिंग टेबल। पहली मर्तबा राउटिंग टेबल बनाने के लिए हर पोर्ट पे गया, पूछ लिया भाई कौन सा एड्रेस कहाँ पे लगा हुआ है, कौन से पोर्ट पे क्या लगा हुआ है, एंड देन उसके बाद वन टू वन क्या करेगा बेटा, यूनिकास्ट। तो राउटिंग टेबल में पहली मर्तबा ब्रॉडकास्ट होगा, पूरी राउटिंग टेबल याद हो जाएगी, और उस टेबल के बाद बाद में क्या होगा बच्चों, यूनिकास्ट। क्या होगा? यूनिकास्ट। क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? आज के बाद से आपसे कोई पूछे कि व्हाट विल राउटिंग टेबल डू, तो क्या बोलोगे? राउटिंग टेबल मेक डिसीजन ऑन वेयर टू राउट पैकेट। राउटिंग टेबल ये बताता है कि पैकेट को कहां पर फॉरवर्ड करना है, सुभान, पैकेट को कहां पर फॉरवर्ड करना है। तो कोई अगर आपसे बोले कि राउटर या राउटिंग टेबल के जरिए आप करते क्या हो, आप बोलोगे पैकेट को कहां पर फॉरवर्ड करना है, ये बात कौन बताएगा? राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल किस में होगा, स्विच में या राउटर में? स्विच में या राउटर में? राउटर में। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लिखी हुई आपके पास, स्विच और राउटर कैन यूज मैक एड्रेस टू मेक डिसीजन और वेयर टू राउट द पैकेट। क्लियर है ना? चलिए एक और डायग्राम देखो, सबसे इंपॉर्टेंट। बच्चों इस डायग्राम में कोई मसला तो नहीं है? फिर मैं आगे चलू आगे सुकून से। हाँ पूछू मैं आपसे यहाँ पे, हाँ, राउटिंग टेबल के अंदर दो चीजें मेंशन होती है, कौन कौन सी भाई? पोर्ट और मैक एड्रेस। ये चीज से याद क्या हुआ है, पहली मर्तबा क्या हुआ होगा? ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट होने के बाद सब जगह को उसने देख लिया, अगली दफा जब भी कोई डेटा आएगा तो वो क्या करेगा, अहमद मैं ब्रॉडकास्ट क्यों नहीं करूंगा नेक्स्ट टाइम भी? शाबाश, अगर मैं ब्रॉडकास्ट करूंगा तो सारी पोर्ट क्या होंगी, डिस्टर्ब होगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। अच्छा एक बात और, अगर नेटवर्क पे सारी पोर्ट डिस्टर्ब हो रही होंगी तो आपको याद होगा एएस में आपने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी कोलिजन डिटेक्शन, सीएसएमएसीडी, याद आ रहा है? सीएसएमएसीडी हो जाएगा ना अगर बार बार ब्रॉडकास्टिंग होगी, याद आ रहा है? अगर बार बार ये इधर से इधर भेज रहा है, इधर से इधर भेज रहा है, तो होगा क्या, डेटा का कोलिजन होगा, फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा व्हाट, सीएसएमए सीडी। क्या अप्लाई करना होगा? सीएसएमए सीडी। राउटिंग टेबल करता क्या है जल्दी बताओ, राउटिंग टेबल करता क्या है? टू मेक डिसीजन ऑन वेयर टू राउट द पैकेट, ऑन वेयर टू राउट द पैकेट। बच्चों अब यहां देखें, आगे लेके चलो, सुकून से देखिएगा बेटा, ये पीसी वन है, सही है? पीसी वन पे तुमने एक डिवाइस लगाई, उसका नाम है क्या, स्विच या राउटर या गेटवे, इन तीनों को मिला के मैं जनरल नाम देता हूं, उसको क्या बोलता हूं, इंटरकनेक्टिंग डिवाइस। इंटरकनेक्टिंग डिवाइस का काम क्या होता है, फॉरवर्ड पैकेट टू करेक्ट डेस्टिनेशन, फॉरवर्ड पैकेट टू करेक्ट डेस्टिनेशन। मैंने कहा यार हो सकता है इंटरनेट पे तुम्हें यहाँ डीएनएस का चक्कर आएगा, याद है ना, डीएनएस डोमेन को आईपी में देखना, फिर आगे जाना इंडेक्सिंग देखना, याद है ना, ये हमने यूएस में ही पढ़ा था। चलो वो डोमेन को आईपी में कन्वर्ट करके youtube.com की आईपी पे पहुंचा, या वो कहाँ पहुंच रहा है बेटा, facebook.com की आईपी में। तो मेरा आपसे सवाल ये है, व्हाट इज राउटिंग टेबल, एक्सप्लेन व्हाट इज राउटिंग टेबल। आइए, राउटिंग टेबल क्या करता है बच्चों, आप बोलेंगे सर राउटिंग टेबल डिसीजन मेक करता है ऑन वेयर टू राउट पैकेट, है ना? राउटिंग टेबल डिसीजन मेक करता है ऑन वेयर टू राउट पैकेट। अच्छा, राउटिंग टेबल डिसीजन मेक करता है ऑन वेयर टू राउट पैकेट। दूसरा, डेटा एंट्री करता है उसकी एसोसिएटेड आईडी पे, नेटवर्क आईडी पे। हाँ, आपने एएस में पता नहीं पढ़ी या नहीं पढ़ी, आपको पता ना दो तरीके की नेटवर्क आईडी होती है, एक होती है होस्ट आईडी और एक होती है नेटवर्क आईडी। पढ़ी है आप लोगों ने? पढ़ा है आप लोगों ने? आइडिया है कुछ, यस और नो बोले, बस यस और नो। आपको पता है कि नेटवर्क पे दो तरीके की आईडी होती है, एक होती है होस्ट आईडी और एक होती है नेटवर्क आईडी, यस और नो? पढ़ा है आपने? पढ़ा है भाई।
बेटा नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी का एक कॉन्सेप्ट होता है, बोलेंगे तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, बस इतना याद रखना है जब भी डेटा आईपी वर्जन होते ना उसमें कुछ नेटवर्क आईडी होती है कुछ होस्ट आईडी होती है। तो यहाँ पर याद रखना कि भाई एंट्री होगी किस पे बेटा, नेटवर्क आईडी पे, और अगर एंट्री होगी तो दूसरी किस में भी होगी बेटा, उसकी होस्ट आईडी में, सही है। अच्छा ये काम किसका होता है बेटा, राउटिंग टेबल का, ये काम किसका होता है बेटा, राउटिंग अच्छा नेक्स्ट आओ फंक्शन ऑफ राउटर, राउटर का क्या काम होता है। हाँ अभी मैंने आपको राउटर पढ़ाया ना, राउटर का क्या काम होगा, सुकून से देखें बोर्ड पे, ये पास पेपर में आ चुकी है बेटी, देखें राउटर क्या क्या कर सकता है, सुकून से मेरी तरफ देखें भाई। सबसे पहली बात, राउटर को हम गेटवे के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राउटर कैन ऑल्सो एक्ट लाइक अ फायरवॉल, है ना। राउटर ऑपरेट करता है दो डिफरेंट प्रोटोकॉल को, ये सुनो, ट्रांसलेट लोकल आईपी इनटू, लोकल आईपी क्या होती है बेटा, लोकल आईपी क्या होती है बच्चों, पता है आपको, व्हाट इज लोकल आईपी, व्हाट इज इंटरनेट आईपी, शाबाश लोकल आईपी मेरे घर के नेट, आपको पता है बच्चों, नहीं पता, नहीं पता तो बोले नहीं पता बेटा, ये जो मेरे लैंड पे आईपी होगी ना वो क्या होगी, लोकल आईपी, और जब वो इंटरनेट पे जा रही होगी तो वो क्या बन जाएगी बेटा, पब्लिक आईपी, क्या बन जाएगी बेटा, पब्लिक आईपी। तो सबको वो भी बोला, अच्छा भाई राउटर क्या करता है बच्चों, राउटर राउटर गायब हो गया, राउटर गायब ड्यू टू सम टेक्निकल डिफिकल्टी, आओ भाई बेटा यहाँ पर राउटर के बारे में मैंने पढ़ाया कि एक्सएक्स गेटवे एक्ट करता है एज अ फायरवॉल, अभी मैंने आपको पढ़ाया था ऑपरेट करता है टू सिमिलर को फराज या डिसिमिलर को, तो ये तुमने क्या लिखा हुआ यहाँ पर, क्या आएगा, सिमिलर सेम प्रोटोकॉल, वेरी गुड, क्या आएगा बेटा, कहाँ चले आ रहे हैं इसको, सेम प्रोटोकॉल पसंद ही नहीं आ रहा भाई, जब मैं सेम प्रोटोकॉल करता हूँ भाग जाते, सेम प्रोटोकॉल है ना भाई, अभी ऊपर पढ़ाया था ना कि सेम को करता है, इधर देखो। अच्छा उसके बाद ये ट्रांसलेट करता है लोकल आईपी को किस में बेटा, इंटरनेट आईपी, आपको पता है लोकल आईपी इंटरनेट आईपी क्या होती है बच्ची, बता आपको लोकल आईपी इंटरनेट आईपी क्या होती है, अच्छा प्राइवेट, हाँ क्या, हाँ पब्लिक, वही तो है ये, उसी का दूसरा नाम है, एक देखो लोकल को बोलते हैं प्राइवेट, है ना, जो मेरे घर का होता है, इट कैन बी सेम आ प्राइवेट आईपी, और ये जो इंटरनेट पे आईपी होती है ये क्या होती है बेटा, पब्लिक। तो यही है ना राउटर का मेन काम क्या है, मेरे घर के नेटवर्क को कनेक्ट कराना इंटरनेट से, अगर लेट सपोज यहाँ पे राउटर नहीं है तो मैं क्या करूंगा, इंटरनेट से कनेक्ट कर पाऊंगा, नहीं। राउटर का मेन काम एक आसान नॉन टेक्निकल बंदे के लिए क्या होता है, मानो एक नॉन टेक्निकल बंदा है उसको नहीं पता राउटर क्या है, तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा सिमिलर नहीं, उसको नहीं पता, बिल्कुल नॉर्मल बंदा है, वो बोलेगा भाई राउटर क्या करेगा, जल्दी बता रहे यार, वाईफाई से कनेक्ट कर, नॉन टेक्निकल बंदे ये कहता है ना कि भाई मेरे लैपटॉप का वाईफाई यानी कि इंटरनेट से कनेक्ट करना, तो अगर इसको टेक्निकल करूं तो आपके जो घर का नेटवर्क होता है वो होता है लोकल प्राइवेट आईपी, और इंटरनेट पे जो नेटवर्क होता है वो कौन सा होता है, पब्लिक, हाँ पब्लिक यानी कि इंटरनेट की आईपी, इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए कौन होता है बेटा, राउटर, कौन होता है राउटर, कौन होता है राउटर, सही है। अच्छा यही बात क्या लिखी हुई है पॉइंट नंबर 5, राउटर हैज पब्लिक आईपी विच राउट पैकेट टू द इंटरनेट, ये आपको पढ़ाया ना मैंने अभी। नेक्स्ट लिखा हुआ है फॉरवर्ड पैकेट टू देयर करेक्ट डेस्टिनेशन, फॉरवर्ड पैकेट टू देयर करेक्ट डेस्टिनेशन, सही है बच्चों। तो राउटिंग टेबल के अंदर इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, सही है, सबने लिख लिया, पेज नंबर 49 पे सब बच्चों ने ये लिखा हुआ है। चलो आगे आ जाए बच्चों, अब जो मैं अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका नाम होगा क्या, इंटरनेट प्रोटोकॉल, सही।